पॉलिटिकली आप अपना करियर कैसे देखते हैं? हम जैसे लोगों का मुस्तकबिल यही होता है, साहिल समंदर के किनारे चहल कदमी करते हुए डूब के मर गए, कभी नामालूम अफराद उठा के ले गए किसी पार्टी से, पता नहीं पिछले दो हफ्तों से गायब हैं, सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया। हम लोगों का यही होता है मुस्तकबिल। हम जैसे नजरियाती लोग जो चापलूसी नहीं करते, अगर जितनी हमने इधर मेहनत की है किसी वजीर की किसी मशीर की चापलूसी करने के चक्कर में होते किसी पार्टी की, अभी तक हम लोग इमरान खान के एडवाइजर्स में से होते या हम लोग अनइलेक्टेड जो मिनिस्टर्स होते हैं जो 6-7 ऐसे एडवाइजर रखे हुए उनसे ऊपर होते हम। मसला सिर्फ ये है कि लेकिन फिर मसला वही है, आप बताएं फवाद चौधरी की क्या इज्जत है पीटीआई में कोई उसको, वो फैजुल हसन चौहान है ना जो कह रहे थे ऐसे कीड़ा है मतलब अंदाजा करे, अभी तक पीटीआई ने उसे शोकॉज नोटिस ही नहीं भेजा कि यार तुमने हमारे एक मौजूद मिनिस्टर के बारे में बोला कि ऐसे कीड़ा है। अब ये देखे ना हम लोग, आप आज फवाद चौधरी को और इस तरह के ये अहले बहले मिनिस्टर्स को खड़ा कर दें, मैं काउंसलर भी नहीं, आप इन सारों को खड़ा करें कि इमरान खान पीटीआई के लेबल जरा उतारो ना, अपनी जाती हैसियत अपनी औकात में खड़े हो और मुझे अकेले खड़ा कर दें और पब्लिक को कहें फैसला करो किसके हक में नजरियाती बंदा भले ही मिनिस्टर MNA MPA ना बने लेकिन लोगों के दिलों का वो वजीर आजम होता है।